जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेटरी मोशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या है इसके बारे में देखा जाए, मैं आपको बता दूं कि घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और चूंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, कोई ऐसा पिंड है जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन MN है, और घूर्णन अक्ष से उनकी दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन आर्यन है। तो और यही नहीं, इनकी घूर्णन गतिज ऊर्जाएं क्रमशः K1, K2, K3, K4 एंड सो ऑन KN है। तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा K=½mv² होता है, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि v=r(ω) होता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये संबंध है। अब k=½m भी की वैल्यू हम रख देंगे तो भी की वैल्यू ये r(ω) का स्क्वायर, तो k=√ हो जाएगा ½m r²(ω²). देखिए ओमेगा कोणीय वेग है, और कोणीय वेग जो होता है ये स्थिरांक होता है, ये चेंज नहीं होता है, और द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष की त्रिज्या तो चेंज ही होगी। अब अगर यहाँ से हम K1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ½m1r1²(ω²). अगर इसी तरह से हम K2 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ½m2r2²(ω²). अगर K3 की वैल्यू निकालें तो ½m3r3²(ω²). और फिर K4 की वैल्यू निकालें तो ½m4r4²(ω²). एंड सो ऑन, अगर इसी तरह से हम KN की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ½mn(rn²)². अब जरा देखें, अब हम लोग जो है पूरे निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं। तो अगर पूरे निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा के हो तो K=√ हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 एंड सो ऑन KN हो जाएगा। अब हम सबकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ रख दे रहे हैं, K=K1 की वैल्यू है ½m1r1²(ω²). फिर K2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ½m2²(ω²). फिर ये जो है K3 की वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ R छूट गया है, m2r2², और फिर ये हो जाएगा ½m3r3² प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा ½mn(rn²). अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो K=, देखिए कॉमन क्या है, और अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, देखें ये mn(rn²) और ये ω² हो गया, यहाँ भी ω² छुटा हुआ था, सब में से हम ½ω² कॉमन ले लेते हैं।
तो ये देखे हाफ पहले कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस हाफ तो कॉमन लिया जा चुका है एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ये हो जाएगा एम एन आर एन स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर को हम बाहर लिख देते हैं। फिर देखें इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं के इज इक्वल टू हाफ और आपको मालूम है कि एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन इसको हम लिख देंगे एम आर स्क्वायर और फिर यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपको ये भी पता है कि सिग्मा एम आर स्क्वायर जो होता है ये जड़त्व आघूर्ण होता है, तो फिर के इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ और सिग्मा एम आर स्क्वायर के जगह पे आई हो जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो है यह घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला है और ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ये डेरिवेशन आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। और अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा यहाँ निकालने जा रहे हैं। आपने देखा कि जितना भी हम डेरिवेशन किए हैं और उस डेरिवेशन में जहाँ कहीं भी जड़त्व आघूर्ण आया है तो जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन निकाली गई है। यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो देखें ये हो जाएगा 2k और अपान हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर ओमेगा के जगह पे हम 1 रेडियन पर सेकंड कर दें तो ओमेगा के जगह पे 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार I इज इक्वल टू हो जाएगा 2k क्योंकि ओमेगा के जगह पे 1 है। तो अब यहाँ से घूर्णन गतिज ऊर्जा की सहायता से हम जड़त्व आघूर्ण को डिफाइन कर रहे हैं। और देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एकांक कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके घूर्णन गतिज ऊर्जा के दोगुने के बराबर होता है। तो ये रहा घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब हम लोग पढ़ेंगे आघूर्ण का सिद्धांत। तो आघूर्ण का सिद्धांत देने वाले एक वैज्ञानिक थे, हालांकि इनका मुख्य रूप से इस सिद्धांत का प्रयोग गणित में हुआ इसलिए इनको गणितज्ञ कहते हैं, और इनका नाम था पियरे वैरेगनन जो फ्रांस के रहने वाले थे। तो फ्रांस के वैज्ञानिक या फ्रांस के गणितज्ञ पियरे वैरेगनन ने इस आघूर्ण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और हम आपको बता दें कि मैथ में जब वेक्टर अलजेब्रा का खोज हुआ न, यानी सदिश बीजगणित का जब खोज हुआ, तो उसके बहुत पहले ही वैरेगनन ने इस प्रमेय को दे दिया था। और वैरेगनन का प्रमेय क्या है, या कह लीजिए आघूर्ण का सिद्धांत क्या है, कि देखें अगर किसी निकाय पर, अगर हम इस निकाय को मान लें, तो यदि किसी निकाय पर कई बल लगे हों तो कई बल के रूप में हम दो ही बल मान लेते हैं, एक बल F1 और दूसरा बल है F2। और यहाँ पर इसका एक घूर्णन अक्ष हो जाएगा, देखिए यह घूर्णन अक्ष है, तो इसको हम A मानते हैं, इसको C मानते हैं और फिर ये जो है B है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक आप देखें आघूर्ण का सिद्धांत क्या है। आघूर्ण का सिद्धांत ये है कि यदि किसी निकाय पर कई बल लगे हों और निकाय संतुलन की अवस्था में हो, तो उस स्थिति में निकाय के किसी भी बिंदु के परितः बल आघूर्णों, या कह लीजिए कि उनके आघूर्ण का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। तो आघूर्ण को हम बल आघूर्ण भी कह सकते हैं कि बल आघूर्ण का बीजीय योग शून्य होता है।
तो बीजीय योग वहाँ कहते हैं जहाँ प्लस माइनस दोनों होता है, जहाँ केवल प्लस होता है वहाँ हम कहते हैं अंक गणितीय योग, और जहाँ प्लस माइनस दोनों होता है उसे हम कहते हैं बीज गणितीय योग। अब अगर हम बिंदु सी के परितः आघूर्ण लें तो देखें यहाँ से बाई ओर का जो आघूर्ण होता है वो धनात्मक होता है। हम जिस बिंदु के परितः आघूर्ण लेंगे उस बिंदु के बाई ओर का आघूर्ण पॉजिटिव होता है और दाई ओर का जो आघूर्ण होता है वो निगेटिव होता है। तो अब देखें क्या होगा, और आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखें यहाँ पर लगने वाला बल है F1 और लंबवत दूरी A से C की दूरी है AC, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और जब राइट साइड वाला लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा F2 और इनटू लंबवत दूरी BC, तो इनका बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है, यही आघूर्ण का सिद्धांत है। अब अगर हम एक तरफ पॉजिटिव वाले को कर दें दूसरे तरफ निगेटिव वाले को कर दें तो ये हो जाएगा F1 into AC is equal to हो जाएगा F2 into BC। तो इसका मतलब देखें F1 into AC बिंदु C के एक तरफ का आघूर्ण है और F2 into BC ये बिंदु C के दूसरे तरफ का आघूर्ण है। तो इस प्रकार हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि यदि किसी निकाय पर अगर कई बल लगे हो और निकाय संतुलन की अवस्था में हो तो इस स्थिति में जिस बिंदु के परितः हम आघूर्ण लेते हैं उसके एक तरफ का आघूर्ण उसके दूसरे तरफ के आघूर्ण के बराबर होता है, तो यही आघूर्ण का सिद्धांत है या यही बेरिग्नन का प्रमेय है। अब इसके बाद जो है एक छोटी सी और डिफिनीशन हम लोगों को देखना है और वो है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन होता है। तो गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं जरा इसको हम लोग देख लें। गुरुत्व केंद्र जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गुरुत्व केंद्र क्या है, किसी भी पिंड का वह केंद्र जिस पर पिंड का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे ही हम उस पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि आज तो इतनी बात आपको बताई गई, नेक्स्ट डे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जड़त्व आघूर्ण से संबंधित प्रमेय हैं और उन दोनों प्रमेय का अध्ययन करना होगा जिसमें हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय देखेंगे और फिर लंब अक्षों का प्रमेय देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और हाँ वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।